खबर थराली से। 24 घंटे बाद खुला नेशनल हाईवे। बीआरओ की कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटों के बाद खुल पाया कर्णप्रयाग ग्वालदम अल्मोड़ा नेशनल हाईवे। नारायणबगड़ के पास मौड़ा छीड़ा में कल दोपहर 2 बजे से था कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बाधित। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे थे जाम में। आज सड़क के खुलने से जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। कल रात कैरसेड से नारायणबगड़ के किमोली गांव आई एक सगाई के 6 वाहनों और सगाई में आए फंसे हुए मेहमानों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और रहने की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया और जिनको राजकीय इंटर कॉलेज में रात्रि को रहने की व्यवस्था की। वहीं कई ग्रामीण इलाकों की अभी भी बुरी दशा बनी हुई है और लोगों को पैदल ही आवाजाही करनी पड़ रही है। परखाल चोपता मोटरमार्ग भंगोट के बंद पड़ा है। यहाँ पर पहाड़ी से लगातार मलबा पत्थर गिरने के कारण जेसीबी मशीन भी काम नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ असेड़ सिमली परखाल पालछूनी ग्राम पंचायतों के लिए जल संस्थान की पेयजल लाइनें सड़कों के टूटने से ध्वस्त हो गए हैं, जिससे लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। दूसरी पेयजल लाइन जो देवी धुरा पर्वत शिखर पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर सहित बनेला और कांडा आदि गांव के पेयजल आपूर्ति करती है, उसको आज महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति के सदस्यों ने बड़ी मशक्कत से जगह जगह पाइपों को जोड़ते हुए पानी की आपूर्ति सुचारू कर ली है। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।